सो फाइनली रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना, ठीक है। बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है। ओके, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है, इसको हल्का सा, बस परफेक्ट। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल। गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा टूल शेयर करने वाला हूँ जो कि मीडियर है, क्वालकॉम के लिए, दोनों के लिए कंपेटेबल है। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मीडियर टैक में बहुत से नए नए फीचर्स हैं वहाँ पे मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा। सेकंड, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ये टूल मैं क्वालकॉम में भी चेक करूँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्वालकॉम में भी टेस्ट करा जाएगा। सबसे पहले ये मीडिया, ये जो टूल है, इस टूल में आप बहुत सारे काम कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट गिनवा देता हूँ इस वाले टूल का। आप किसी फ़ोन का फैक्चरी अनलॉक, यानी कि किसी में स्क्रीन लॉक है वो अनलॉक कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे मतलब फ़ोन का फायरवेयर रीड कर सकते हो। फ़ोन के फायरवेयर रीड करने के बाद पार्टीशन चेक कर सकते हो कि कौन कौन से पार्टीशन फ़ोन में अवेलेबल है, और बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। मैं आपको लास्ट में वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पे मैंने इसमें डेमो करते हुए दिखाया, कम्प्लीटली टेस्टेड है ये टूल। सेकंड, यहाँ पे क्वालकॉम में भी मैं इसको चेक कर चुका हूँ, ऑलरेडी टेस्टेड है, पर क्वालकॉम में बहुत कम मॉडल है। अगर आप चाहते हो इसी टूल के थ्रू हम बहुत ज़्यादा मॉडल्स में किस टाइप से वर्क कर पाएँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसका पासवर्ड और सब कुछ, एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा टूल का। सेकंड, यहाँ पे कुछ लोग अगर बोलेंगे टूल चलाने के बाद ये टूल मेरे में नहीं चलता, कुछ लोगों की कमेंट ऐसी भी आती है कि आपका दिया गया टूल मेरे पीसी में कोई भी नहीं चला। तो भाई साहब, ये टूल मैं नहीं बनाता हूँ। अगर ये टूल मैं बनाता तो पीछे जुबेर लिखा होता है, फिर जुबेर मोबाइल लिखा होता। अगर ये टूल मैं नहीं बनाता, मतलब कि ये जो कहीं से भी आते हैं, ये बाहर मतलब कोई और बनाता है, ये जस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ जैसे बाकी यूट्यूबर्स शेयर करते हैं। मैं जस्ट टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद अगर मेरे को लगता है कि ये टूल आपके लिए परफेक्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे अच्छे तरीके से, तब जाके मैं आपको शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे अगर ये टूल मैंने नहीं बनाया और ये मेरे पीसी में चल रहा है, तो ऐसी बाकी और पीसी में भी चल रहा होगा, बाकी और लोग भी यूज़ कर पा रहे होंगे। अगर आपके पीसी में नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है, पहले आप अपनी विंडोज़ फिक्स करो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे मेरी नहीं है क्योंकि ये टूल मैंने नहीं बनाया, प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी है कि आपके पीसी में प्रॉब्लम है। तो टूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, और अगर आपके पीसी में नहीं चलता है तो कोड ज्वाइन करो, क्योंकि विंडोज़ की कुछ फाइल्स फिक्स करनी होती है, DLL वगैरह फाइल फिक्स करनी होती है, तो वो सब कुछ आपको कोर्स में करवाया जाएगा। तो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 10 तारीख को बैच स्टार्ट होने वाला है। बाकी मैं आपको डेमो वीडियोज़ की दिखा देता हूँ मीडिया टैक में क्या क्या परफेक्ट टूल है और टूल में अभी क्या क्या आपको एडवांस मिलने वाला है। तो जस्ट कंप्यूटर अपने लैपटॉप स्क्रीन पे स्विच हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये रहा वो टूल, और ये टूल आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पासवर्ड भी आपको वहीं पे ही दिख जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे हमारे पास है कुछ मीडियाटेक के डिवाइसेज जिसमें टेस्ट मैं करने वाला हूँ। क्वालकॉम में भी इसको टेस्ट करके वीडियो ज़रूर आएगी, पर ये फ्री टूल ऑलमोस्ट परफेक्ट है बहुत हद तक काम करने के लिए। बाकी अगर आप स्पेशली अलग लेवल का काम करना चाहते हो तो आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। सेकंड थिंग, यहाँ पे क्वालकॉम में भी एक अलग स्टाइल है, क्वालकॉम में जिसने इसमें मॉडल है उससे भी ज़्यादा मॉडल से आप इसको फ्लैश अनलॉक कर पाओगे, एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि कोर्स में बताई गई है, और वो भी विधि ये मतलब ये फ्री वाले टूल के थ्रू बताई जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ फ्री में नहीं मिलता। बाकी मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या फीचर हैं और कैसे कैसे इस टूल का वर्क है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऊपर के टैब्स मिल जाते हैं, ADB, फास्टबूट, MTP, MTP यानी कि मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फ़ोन ऑन करके वाला जो वो होता है। यहाँ पे आप MTP QR कोड, ये है यहाँ पे मतलब सैमसंग FRP बाईपास के काम में आएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे मीडिया टेक ऑप्शन देख लेते हैं। मीडिया टेक में आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है, रीड GPT वर्किंग है, रिसेट FRP वर्किंग है, रिसेट सैमसंग FRP वर्किंग है, आई हैव टेस्टेड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे फुल रिसेट प्लस FRP भी वर्किंग में है, यानी कि FRP भी चले जाएगा और फैक्चरी रिसेट भी हो जाएगा। बाईपास MI अकाउंट नॉट ट्राई येट, रिसेट हुआवे ID ये भी वर्किंग है, अनलॉक बूट लोडर नहीं ट्राई करा, आप ट्राई कर सकते हो, और सेफ अनलॉक बूट लोडर और यहाँ पे रिलॉक बूट लोडर, डंप ऑल पार्टीशन ट्राइड है, मैं ऑलरेडी बैकअप कर चुका हूँ कोई फाइल, और ये रही, ठीक है, ये कम्प्लीटली फाइल बैकअप कर चुका हूँ, बट ये स्केटर फाइल नहीं देता, दिस इज़ बैड, पर आपको फाइल बैकअप करवा देता है। यहाँ पे आपको MTK पार्टीशन टूल मिल जाएगा, यहाँ पे ये देखो मैंने ऑलरेडी रीड कर रखे, मैं अभी आपको दोबारा से रीड करते हुए भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे आपको दिख जाता है MTK फ्लैश, यहाँ से आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ से आपको कुछ यहाँ पे आप लोड स्केटर करके FRP का एड्रेस, यूज़र डेटा का एड्रेस और Xiaomi में जो परसिस्ट का होता है उसका एड्रेस ले सकते हो, ठीक है। MTK बाईपास टूल मिल जाता है, यहाँ पे अगर आपके पास स्केटर फाइल नहीं है तो कुछ मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी कुछ। यहाँ पे देखो, ये जो फ़ोन है ये लॉक है, ये है टेक्नो रियलमी का, ये है टेक्नो का और ये है रियलमी का। मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ, ये करा हमने यहाँ पे सीधा फुल रिसेट प्लस FRP पे क्लिक, और जैसे ही डाटा केबल लगाएंगे तो इसका स्क्रीन वगैरह लॉक हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास मतलब आप दुक शॉप वालों के काम में आएगा ये वाला टूल। तो सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करा, और ये जैसे ही मैंने डाटा केबल लगाई तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रीड होना मतलब वर्क होना स्टार्ट हो चुका है। और इसमें स्क्रीन लॉक था मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे इरेजिंग 0.0%, वेट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ऑल डन। यहाँ पे देखो इन्हें बहुत ही कम टाइम लिया और यहाँ पे सब कुछ डन हो चुका है, इसका स्क्रीन लॉक अनलॉक हो चुका होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, रियलमी वाले स्पेशली रियलमी ओके रियलमी रियलमी वाले फ़ोन में आपको एक बार अनलॉक के बाद दोबारा डाटा केबल लगानी है। चार्जिंग जब शो करेगा तब उसको ऑन करना है, अगर डायरेक्ट ऑन कर दोगे तो यहाँ पर रिकवरी आ जाएगा और बहुत टाइम ले जाएगा वो रिकवरी। ठीक है, तो चार्जिंग शो कर रही है, नाउ यू कैन टर्न ऑन योर डिवाइस। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड रिकवरी ऑप्शन नहीं अटकेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे पहला डिवाइस। सेकंड यहाँ पे और चीज़ें चेक कर लेते हैं, जैसे कि है यहाँ पे लिस्ट पार्टीशन। ठीक है, यहाँ से हमने सीधा लिस्ट पार्टीशन पे क्लिक करा और ये मैं दूसरा फ़ोन कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे टेक्नो का। लेट मी ट्राई शट डाउन, इसमें भी स्क्रीन लॉक है, ये स्क्रीन लॉक और FRP एंड लेट मी ट्राई इट। है ना, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करा जैसे डाटा केबल लगाई, उसके बाद यहाँ पे वेटिंग। MTK डिवाइसेस हिल गया शायद, आई थिंक। ठीक है, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा, डाटा केबल की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको स्क्रीन लॉक आपको करते हुए दिखाऊंगा। इट्स ओके, इस वाले को करते हैं। यहाँ पे ये है दूसरा, ये भी हाई सिक्योरिटी है, इसमें भी देख सकते हो आप ये स्क्रीन लॉक। सीधा फ़ोन को मैंने करा ऑफ, लिस्ट पार्टीशन पे ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ है, वेटिंग फॉर MTK डिवाइस कह रहा है, और यहाँ पे हमने MTK डिवाइस को वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके डाटा केबल लगाई। ठीक है, फ़ोन कनेक्ट हो गया। ओके, फ़ोन हर बार कनेक्ट हो रहा है लेकिन ये ले नहीं पा रहा, तो टूल को क्लोज करूँगा मैं। कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आया करे तो ये सब चीज़ें ट्राई कर लिया करो। तो मैंने टूल को क्लोज करा एंड अगेन ओपन करूँगा। इतने आई थिंक ये नीचे वाला फ़ोन इतने ऑन हो रहा है। ठीक है, दोबारा जाएंगे यहाँ पे MTK में। MTK में ये रहा MTK पार्टीशन, लिस्ट पार्टीशन पे क्लिक करा और ट्राई करते हैं, ये फ़ोन ऑन होने लग रहा है, वेट। ठीक है, अभी मैं टेक्नो को ट्राई कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, लिस्ट पार्टीशन पे क्लिक करता। आई थिंक पाइथन की प्रॉब्लम दिखा रहा है, अभी तक चल रहा था। ठीक है, सो नाउ इट्स फिक्स्ड, और उसके बाद अभी हम कनेक्ट करते हैं। तो कभी कभार अच्छा MediaTek में कनेक्ट था ना, लेट मी ट्राई अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो MediaTek, वेटिंग फॉर MediaTek डिवाइसेस दिखा रहा है। अब यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है, और ये यहाँ पे मैंने ये वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करा और ये डाटा केबल लगाई।
ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट पार्टीशंस आ जाएंगे सारे के सारे, जितने भी फ़ोन के अंदर पार्टीशन होंगे सारे के सारे रीड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है, अगर आपको कुछ रीड करना हो यहीं से रीड कर सकते हो, राइट करना हो राइट कर सकते हो, इरेज करना हो इरेज कर सकते हो। रीसेट ऑल फील्ड पे करोगे तो बहुत टाइम ले जाएगा, ये सारी की सारी फील्ड जितनी भी होंगी वो रीसेट हो जाएंगी। तो बेटर है कोई भी पार्टीशन आपको टारगेट करके रीसेट कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपने लिब यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो सबसे पहले लिब यूएसबी करें, ये टूल आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करवा देता है। और ये रहा यहाँ पे लिब यूएसबी विजार्ड फिल्टर, इसके थ्रू फिल्टर कर लें। ये मीडियाटेक का मेन प्रोसेस है, कोई भी टूल चलाओगे यूएमटी वगैरह सब में ये करना पड़ता है। ओथ बाईपास जो सिक्योरिटी बाईपास हुई है वो इसी के थ्रू हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट पार्टीशन का ऑप्शन है, ये भी वर्किंग में, और जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे वर्किंग में है, मैं ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ पे रीड OEM दिख जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब कि यहाँ पे हुआवे में प्रॉब्लम आती है, हुआवे के डिवाइसेस में अगर आप हुआवे आईडी रिमूव करते हो या फिर फैक्ट्री रिसेट करते हो तो उसका OEM की फाइल भी साथ साथ उड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन में अबाउट का सेक्शन नहीं दिखाता, प्ले स्टोर नहीं चलता, कीबोर्ड वर्क नहीं करता। तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है मीडियाटेक के अंदर स्पेशली, और मीडियाटेक में ही प्रॉब्लम आती है हुआवे डिवाइसेस में। बाकी भी यहाँ पे बहुत कुछ है, क्वालकॉम है, एप्पल है, और यहाँ पे MTP मोड में बाईपास मिल जाता है। फास्ट बूट के अंदर यहाँ पे आपको कुछ मिल जाता है, रीड रीड इन्फो, एडवांस इन्फो, फैक्चरी रीसेट मिल जाता है, रीबूट टू EDL जो कि वर्क नहीं करेगा, ओनली बूट लोडर अनलॉक या फिर लो सिक्योरिटी डिवाइसेस में वर्क करेगा, और शाओमी FRP बहुत कुछ मिल जाता है। एंड सेकेंड यहाँ पे आपको मिल जाता है फर्स्ट बूट, MTP, MTP, मीडियाटेक, मीडियाटेक के बाद क्वालकॉम, ठीक है। क्वालकॉम में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शाओमी पेचर टूल मिल जाता है और ये जनरल मिल जाता है। अगर आप क्वालकॉम में चाहते हो कि इसका मॉड्यूल क्वालकॉम चिपसेट के ऊपर भी आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताना। तो ये टूल टेस्टेड है मैंने आपको, इसका जो मेन चीज़ें थी फैक्चरी रिसेट वाला और लिस्ट पार्टीशन, पार्टीशन ट्राई करने वाला, वो मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा चुका हूँ। तो यही थी वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो, पासवर्ड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।